हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। रिपब्लिक डे 2020 के हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो। एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछूंगा, इनमें से किस देश के रिप्रेजेंटेटिव कभी भी इंडिया के इतिहास में हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट नहीं बने? आपके सामने ऑप्शन है साउथ कोरिया, मैक्सिको, इसराइल, पोर्टुगल। इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिएगा। सही आंसर आपको मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि रिसेंटली अमेजॉन फायर का जो इशू था, वहाँ पर बोल्सोनारो को इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, तो हम यहाँ पर इनको एज चीफ गेस्ट क्यों बुला रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा, इंडिविजुअल को मत देखिए, ये जिस चेयर पर बैठे हैं, जिस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से इस इन्विटेशन को देखिए। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये इन्विटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ब्राज़ील एज ए होल इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580408004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो की PDF फाइल और मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर, और आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड PDF फाइल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को इनवाइट किया है फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन 2020। इस इनविटेशन को ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नाउ ये इनविटेशन करी गई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता होगा कि ब्राजील में इस वक्त 11वां ब्रिक्स समिट हो रहा है। ब्रिक्स समिट पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ब्रिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पर जान लो कि ब्रिक्स समिट के दौरान हमने इनविटेशन ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को एक्सटेंड किया है। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे सिरिल रामाफोसा, ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे एक आप देखेंगे सीक्वेंस है कि लगातार दूसरे साल हमने ब्रिक्स कंट्री के एक हेड को बुलाया है एज चीफ गेस्ट ऑन आर रिपब्लिक डे। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि आज के समय हमने सारे ब्रिक्स कंट्रीज के जो हेड्स हैं, इनको किसी ना किसी टाइम पर एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इनवाइट कर रखा है। नाउ ऐसा नहीं है कि बोल्सोनारो पहले ब्राजीलियन प्रेसिडेंट होंगे जो इंडिया में आएंगे एज चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे। इससे पहले 2004 में उस वक्त के जो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट सिल्वा, इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में इनवाइट किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2004 में हमारी रिपब्लिक डे परेड के गेस्ट थे। इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आजकल काफ़ी तक न्यूज़ में है। 2018 में इनको जेल हुई थी करप्शन चार्जेस की वजह से, उसके बाद अब रिसेंटली नवंबर 2019 में इनको जेल से रिहाई मिली है। और ये माना जा रहा है कि ब्राज़ील की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है कि फाइनली फॉर्मर प्रेसिडेंट सिल्वा अब रिलीज हो चुके हैं और इनको पब्लिक का भी काफ़ी सपोर्ट है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है इन द फ्यूचर ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट फिर से बन सकते हैं। नाउ ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का जो इन्विटेशन है, ये इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होती है कि इंडिया के लिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एज ए होल आज के समय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहली बात तो वर्ल्ड मैप पे है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो एज यू कैन सी, ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ ब्राज़ील ऑल टुगेदर धरती के दूसरी तरफ है, तो यहाँ से आप ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ किसी भी तरफ से जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ वेस्ट की तरफ, तो ये आप देखेंगे अटलांटिक ओशन पार करके ये आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आप फोकस करिएगा, तीन पार्ट हैं यहाँ पर। एक तो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जहाँ पर कनाडा, US, मेक्सिको आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेंट्रल अमेरिकन रीजन। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है कोस्टा रिका, जिसको रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया था, ये आप देखेंगे, ये है कोस्टा रिका। फिर अगर हम और नीचे जाएं तो यहाँ पर आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टोटल आपको कंट्रीज मिलेंगी 13। नाउ अब मैं चाहता हूँ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक पॉलिटिकल मैप आप अलग से देखें। इस कॉन्टिनेंट में जो डोमिनेटिंग कंट्री है ऑब्वियसली वो है ब्राज़ील, उसके अलावा बहुत से और देश हैं यहाँ पर, पेरू, चिली और बोलीविया। इन सब कंट्रीज़ को रिसेंटली इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने विजिट किया है। आप अगर पिछले 6 साल में देखें तो या तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी या फिर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, इन कंट्रीज़ को इन्होंने रेगुलरली विजिट किया है। और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अब ब्राज़ील जा चुके हैं। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि बोलीविया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको विजिट किया था। और चिली भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और उससे पहले मार्च 2019 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट पैराग्वे और कोस्टा रिका में भी गए थे। तो जो ये सारा रीजन है आप कह सकते हैं इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तीन रीज़न है यहाँ पे। पहला तो ये है
मिनरल्स, यहाँ पे आपको रिजर्व्स मिलेंगे लिथियम के, जो लिथियम आयन बैटरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, तो कंट्रीज लाइक बोलीविया, चिली, इनका सपोर्ट हमको चाहिए होगा। इनसे ही हम लिथियम खरीद कर अपने यहाँ बैटरीज मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। सेकेंड में यहाँ पे बात आती है ऑयल। ब्राज़ील एक्चुअली आज के टाइम में एक काफ़ी बड़ा रिजर्व लेकर बैठा है ऑयल का। वेनेजुएला से तो हम ऑयल खरीदते नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस प्रेशर, मगर ब्राज़ील आने वाले टाइम में एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। और देखिए तीसरा यहाँ पर रीजन है, एक बहुत ही बड़ी मार्केट फॉर इंडियन गुड्स। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को दुनिया की सारी कंपनीज देखती हैं एज एन ओपन मार्केट। यहाँ पर अभी तक किसी पर्टिकुलर कंपनी ने मार्केट कैप्चर करी नहीं है, तो मार्केट काफ़ी हद तक ओपन है। हमारी कंपनीज लाइक मारुति, उसके अलावा महिंद्रा, वेरियस हमारी कंपनीज हैं, टाटा, इन्फोसिस, वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर बिजनेस कैप्चर कर सकती हैं, जिससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो जो ये पूरा कॉन्टिनेंट है एज ए होल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं कहूँगा ब्राज़ील एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर ब्राज़ील से हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में हमारी रीच रिलेटिवली आसान हो जाएगी। ये बात ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो भी जानते हैं, इसलिए रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्द ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे फॉर इंडियन एंड चाइनीज सिटीजन्स। हालांकि ये बात भी सच है कि ब्राज़ील बहुत ही लार्ज स्केल पर वीज़ा की रिक्वायरमेंट वेरियस कंट्रीज़ के लिए ख़त्म कर रहा है, मगर इंडिया के लिए बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ ने वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म करी है। तो ब्राज़ील यहाँ पर मैं कहूँगा एक पहला कंट्री है, और दिस इज़ वेरी गुड फॉर आर पासपोर्ट स्ट्रेंथ। इससे पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंडिया की रैंक में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आज के समय अगर हम देखें तो इन सब कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये कंट्रीज़ हैं बेलारूस, भूटान, डोमिनिका, एल सल्वाडोर, फिजी, ग्रेनाडा, हैती, हांगकांग, ये सारी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली जब मैंने लिस्ट मेंशन करी थी एक वीडियो में, तो किसी ने कहा था यहाँ पर नेपाल का मेंशन मिसिंग है। देखिए नेपाल के साथ तो हमारे रिलेशन और टाइप के हैं। आज के समय जो भी हो रहा है वो अलग बात है, हिस्टोरिकली और जो मैकेनिज्म डेवलप हो रखा है उसको आप अगर देखें तो नेपाल के साथ हमारी फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि आपको वीज़ा छोड़िए पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है नेपाल जाने के लिए। आपके पास अगर एक वोटर आईडी कार्ड है विद फोटो, उससे भी आप नेपाल जा सकते हैं। तो नेपाल के साथ तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सब कंट्रीज जो हैं ज़्यादातर छोटे देश हैं, सिवाय सर्बिया और बेलारूस को आप अगर छोड़ दें, रिलेटिवली ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं काफ़ी हद तक छोटी हैं। तो इसमें जब ब्राज़ील जैसी मैसिव कंट्री की एंट्री होगी तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सी और कंट्रीज भी इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दे या फिर कम से कम वीज़ा ऑन अराइवल ऑफर करे। नाउ ब्राज़ील ये वीज़ा यहाँ पर वेव ऑफ क्यों करेगा? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, ब्राज़ील ये चाहता है कि इंडिया के साथ उनका जो ट्रेड है ये बढ़े। हमारे जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो आज के समय वेरियस कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं वो ब्राज़ील को चूज़ करें एज देयर डेस्टिनेशन। उसके अलावा ब्राज़ील में हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी जाएं। आप अगर देखें जो ट्रेड का ट्रेंड है इंडिया और ब्राज़ील का, एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था। आप अगर 2014 के आसपास देखें तो हमारा ट्रेड करीब 11 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुका था। उसके बाद इस पर लगातार डिप आता रहा 2015 में, 2016 में, फिर ये जो ट्रेड है ये सिमट कर बस 5.6 बिलियन डॉलर्स तक रह गया। अब अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ का रफली 7.6 बिलियन। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट मानते हैं कि टूरिज्म और वेरियस और चीज़ों को अगर हम ऐड कर दें तो ये ट्रेड बहुत ही आसानी से 15 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। सो ये ब्राज़ील के लिए भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंडिया आज के समय ब्राज़ील को एक्सपोर्ट कम करता है, ब्राज़ील से इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। उसके अलावा सिंस ब्राज़ील में लगातार क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हो रही है तो चांसेस है कि आने वाले टाइम में ब्राज़ील इंडिया को क्रूड ऑयल भी बेचे, जिससे ऑफकोर्स ब्राज़ील को काफ़ी और बेनिफिट होने वाला है। सो इन सब कारणों की वजह से ब्राज़ील इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि 2020 की रिपब्लिक डे परेड में ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट एज चीफ गेस्ट आएंगे। नाउ वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है इट इज़ सी, इज़राइल। इज़राइल की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अब तक एज चीफ गेस्ट हमारी रिपब्लिक डे परेड में नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले 4 या 5 साल में ये चेंज हो, बट फॉर द टाइम बींग मैक्सिको, साउथ कोरिया और पोर्टुगल से प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारी रिपब्लिक डे परेड में एज चीफ गेस्ट आ चुके हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।